हेलो दोस्तों, मेरा नाम शिवांश है और आप देख रहे हैं ऑटो पार्ट्स इन्फो। तो ये हमारी गाड़ी है वैगन आर, और इसमें आप देख सकते हैं ऑटोमेटिक गाड़ी है। और इसकी आज सेटिंग्स के बारे में हम बात करेंगे। तो इसकी सेटिंग्स के देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें इस नोब को पुश करके रखना है। तीन पोजीशन में हम पुश करके रखेंगे तो अंदर के मेन्यू में जाएंगे। पहला तो ये करंट एवरेज में, और दूसरा रेंज में, और तीसरा ऑडोमीटर रीडिंग में। इन तीन में अगर हम आके उसके बाद ये राइट नोब को पुश करके रखते हैं तो हम इसके अंदर के मेन्यू में एंटर कर पाएंगे, अदरवाइज़ नहीं। तो यहाँ पे सेटिंग्स आ रही है डोर की, लाइट की, सिक्योरिटी सेटिंग और फ्यूल सेटिंग। और ये क्लॉक है, डिफ़ॉल्ट है एज़ पर कंपनी जो भी आपको देगी वो सेटिंग है। तो सबसे पहले हम डोर की सेटिंग देखते हैं, डोर में क्या 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 आ रहा है। डोर की सेटिंग ओपन करते हैं तो इसमें D1 है, D2 है, D3 है और D5 है। तो मैं आपको D1 सेटिंग में इंटर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, D1 सेटिंग में जिस सेटिंग में आपको इंटर करना है उस सेटिंग के पास आइए, और उसके बाद इस राइट नोब को फिर इसे पुश करके रखे रहिए कुछ समय के लिए, तो आपको उस सेटिंग में आप इंटर कर जाएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं D1 SL1 सेटिंग सेलेक्ट है, और सॉरी D1 SL1 सेटिंग है, D1 SL2 सेटिंग है। तो आप देख सकते हैं D1 SL2 सेटिंग के ऊपर SEL लिखा है, तो D1 SL2 सेटिंग सेलेक्ट हुई है और D1 SL1 सेटिंग सेलेक्ट नहीं है। और ये तीसरा ऑप्शन है D1 बैक का, तो इससे हम बैक हो जाएंगे। तो मैं बता दूं D1 SL1 सेटिंग में क्या है। D1 SL1 सेटिंग में ये है कि आप अगर अपनी गाड़ी को अनलॉक करना चाहते हैं सारे के सारे डोर एक क्लिक में, जैसे डोर को अनलॉक का बटन दबाते हैं हम चाबी में, तो अगर SL1 सेटिंग सेलेक्ट कर रहेंगे तो सारे डोर एक बार में हमारे अनलॉक हो जाएंगे। और D1 SL2 सेटिंग अगर सेलेक्ट होगी तो उसमें सिर्फ ड्राइवर साइड का डोर अनलॉक होगा, ना कि सारे। जब दूसरा क्लिक करेंगे तब हमारी सारे डोर अनलॉक होंगे। ये D1 SL1 सेटिंग थी। और D1 SL2 सेटिंग D2 सेटिंग में बता दूँ तो D2 SL1 सेटिंग में क्या है, इसमें यह है कि हमारी गाड़ी अगर D2 SL1 सेटिंग सेलेक्ट रहेगी तो हमारी गाड़ी जैसे स्पीड में चलेगी तो डोर अगर अनलॉक रहेंगे तो वो लॉक नहीं होंगे। लेकिन D2 SL2 सेटिंग जब अगर सेलेक्ट होगी तो इसमें क्या होगा, जो हमारी ऑटोमेटिक डोर लॉक हो जाते हैं सिंक्रोनस स्पीड में, जैसे 15 की स्पीड क्रॉस करती है गाड़ी, तो अगर ये सेटिंग सेलेक्ट होगी तो गाड़ी हमारी ऑटोमेटिक ही लॉक हो जाएगी जब गाड़ी चलेगी। तो इससे बैक हम करते हैं, D3 सेटिंग देखते हैं, D3 सेटिंग में क्या क्या है। D3 SL1 सेटिंग हो गई और D3 SL2 सेटिंग हो गई। D3 SL1 सेटिंग में क्या है, आपका जो चाबी अगर हम की सिलेंडर से बाहर निकालते हैं, अगर डोर हमारे जैसे अनलॉक हो गए हैं, लॉक हो गए हैं, चाबी निकालने के बाद डोर हमारे लॉक ही रहेंगे, अनलॉक नहीं होंगे। और D3 SL2 सेटिंग अगर सेलेक्ट करे रहेंगे तो इसमें जैसे चाबी हम आपकी सिलेंडर से बाहर निकालेंगे तो गाड़ी के सारे लॉक ऑटोमेटिक अनलॉक हो जाएंगे। इसमें लॉक नहीं खुलेगा, इसमें लॉक सारे खुल जाएंगे। अब इसे बैक करते हैं हम। अब D5 सेटिंग है, D5 सेटिंग हमारा सायरन का होता है, जैसे लॉक अनलॉक करते हैं चाबी से हम, तो आप देख सकते हैं सायरन की आवाज़ आती है। तो D5 SL1 सेटिंग अगर सेलेक्ट रहेगी तो सायरन की आवाज़ आएगी, और D5 SL2 सेटिंग सेलेक्ट होगी तो सायरन की आवाज़ नहीं आएगी। तो मैं इसमें आपको दिखा देता हूँ कि सारी सेटिंग्स कैसे कैसे वर्क कर रही है। तो ये कुछ डोर की सेटिंग थी। अब इसमें आते हैं हम, डोर की सेटिंग से हम बैक होते हैं। अब आएंगे हम लाइट में। लाइट में क्या है, आपका ये देख सकते हैं, जैसे मैंने साइड इंडिकेटर की जो ये है स्विच है, अगर मैं एक बार क्लिक करता हूँ तो ये देख सकते हैं तीन बार ये ब्लिंक हो रही है, बस पुश करने पे ही। इसे बोलते हैं लेन चेंजर लाइट। और ये SL2 सेटिंग है, इसमें SL1 सेटिंग सेलेक्ट रहेगी तो तीन बार ब्लिंक होगी, अगर SL2 सेटिंग सेलेक्ट होगी तो तीन बार ब्लिंक नहीं होगी, एक बार ब्लिंक होगी। जैसे मैंने SL2 सेटिंग सेलेक्ट कर लिया है, अब देखते हैं मैं कर रहा हूँ, ये सिर्फ एक बार ब्लिंक हो रहा है।
तो इसकी SL2 सेटिंग को SL1 सेटिंग में फिर से सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ये लाइट की सेटिंग हो गई। लेन चेंजर के लिए है लाइट की सेटिंग। और सिक्योरिटी सेटिंग के बारे में बता चुका हूँ पहले भी आपको, सेम ही है। और फ्यूल सेटिंग में आपको बता दूँ तो ये जो आपकी फ्यूल सेटिंग में आपका ये शो हो रहा है, ये आपका है किलोमीटर पर लीटर का है, और ये जो है लीटर पर 100 किलोमीटर का एवरेज आएगा। जो आपका एवरेज में शो होता है वो लीटर पर 100 किलोमीटर आएगा। जैसे अभी आपके मैं इसमें लीटर पर 100 किलोमीटर सेलेक्ट कर ले रहा हूँ, और आपको मैं अब दिखाता हूँ इग्निशन ऑन करके यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं ये एवरेज में आपका आ रहा है 6.0 लीटर पर 100 किलोमीटर, ये लिख के आ रहा है। अगर अब मैं उसी सेटिंग को फिर से फ्यूल वाली सेटिंग को अगर मैं फिर से उससे इसमें ही कर दूँ, अभी ये देखिए लीटर वाली सेलेक्ट है, अब इसे ये मैं किलोमीटर पर लीटर वाले में अगर सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो उसके बाद आप यहाँ से बैक कर सकते हैं या फिर आप इग्निशन ऑफ करके ऑटोमेटिकली बाहर हो जाएगा। तो आप इधर से आप देख सकते हो ये आ गया 16.6 किलोमीटर पर लीटर। तो ये कुछ वीडियो थी, और क्लॉक की सेटिंग भी मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ये कुछ सेटिंग थी जिसके बारे में आपको बताया नहीं था। तो ये वीडियो आपको हेल्प करेगी डोर सेटिंग के बारे में, लाइट सेटिंग के बारे में, और फ्यूल की सेटिंग के बारे में। तो आई होप आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑटो पार्ट्स इन्फो।